एनडीए की सरकार रखती है, विकसित देश बनाने को लेकर, वो विकसित देश तभी बनेगा जब हर राज्य विकसित बनेगा, जिसमें बिहार यकीनन एक पिछड़े राज्यों में से आता है। मैं मानता हूं कि अब उसमें उन कार्यों को हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। क्या लगता है आपको, नीतीश जी भी एनडीए के खेमे में है, थोड़ी भी असहजता आपको होगी, आप कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मेरे प्रधानमंत्री के साथ हूँ, उनकी सोच के साथ हूँ, एनडीए का हिस्सा हूँ। मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आगे किन किन के साथ गठबंधन करती है वो जरूर राष्ट्र हित में, देश हित में ये निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, चुनाव अब सर पर हैं, चुनावी दृष्टि से भी कई फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में मैं पूरी तरीके से मजबूती से गठबंधन के साथ हूँ। आपको लगता है नीतीश कुमार के आने से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा एनडीए को? फायदा नुकसान मुझे नहीं पता, बट हमारा गठबंधन और जरूर मजबूत होगा। तो हमारा चिराग जी, लेकिन जिस तरीके से नया कैबिनेट फॉर्म हुआ है, कैसे देखते हैं इस नया कैबिनेट फॉर्मेशन? अभी तो कैबिनेट पूरी तरीके से पूरा स्वरूप अभी लेना बाकी है, अभी तो कुछ मंत्रियों ने ही शपथ ली है, पर उम्मीद नहीं, विश्वास है मुझे कि ये कैबिनेट, नया कैबिनेट जब तैयार होगा, इस बार दो नए उप मुख्यमंत्री सामने आए हैं और दोनों युवा सोच रखते हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। ऐसे में मैं मानता हूं, जो मैंने बार बार कहा कि मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच को धरातल पर अब उतारने में बिहार में सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार अब बनी है, तो सोच को हम लोग धरातल पर उतारते हैं। बिहारी फर्स्ट का जो आपका मिशन था वो क्या होगा, क्योंकि लगातार आप उसको? भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास गठन आज हुआ है बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए, बिहार में आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा का पैगाम और तेजी से आगे बढ़ाना है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को और आगे ले चलना है। आपने भी शपथ ले लिया? हाँ लिया। क्या लग रहा है कि अब ये डबल इंजन की सरकार होगा, ये अब कितनी मजबूती से काम करेगी? मिलना चाहिए मजबूती, जब डबल इंजन की सरकार है तो मजबूती मिलेगी और भारत सरकार का सहयोग मिलेगा बिहार को और बढ़ाने में, तरक्की में, और संसाधन भारत सरकार से मिलेगा। तो किसी राज्य के विकास के लिए संसाधनों की बड़ी जरूरत होती है, वो संसाधन अब आसानी से मिल पाएंगे, इसलिए बिहार तेजी से विकास कर पाएगा, ये उम्मीद, ये भरोसा, ये विश्वास जाहिर किया जा रहा है। ब्रजमोहन जी, मैं उसी सवाल पर वापस लौटूंगी कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि भाई जेडीयू जो है वो 2024 में खत्म हो जाएगी, बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या यही बात नीतीश कुमार भांप गए थे, यही अंदेशा उन्हें था, इसीलिए उन्हें इस गठबंधन से बाहर निकलना पड़ा? देखिए, कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती, और खास करके नीतीश कुमार की एक लेगेसी रही है और एक पैरेलल एक सरकार भी चलती रही है। बिहार जैसा जो बड़ा स्टेट है जिसमें अलग अलग जाति समीकरण के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ स्कोप तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के लिए इतना बड़ा स्कोप है, भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, नीतीश कुमार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, तो ये बोलना कि भाई 24 के बाद जदयू